तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सभी को। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो भाई टी शर्ट भी बदल ली है। एक किसी ऋषि भाई का कमेंट आया था कि भाई टी शर्ट बदल लो, तो मैंने बदल ली। और अभी मौसम दिखाता हूँ आपको। मौसम आपका बादल लगे हुए हैं आज भी। और ये देखिए भाई, ये डीजे लेके घूमते हैं पूरा। देखो पूरा डीजे लेके घूमते हैं, नींद हराम कर देते हैं भाई साहब, इतना भयंकर माइक लेके घूमते हैं। और अभी के टाइम पे खाना आ चुका है। और ये कुछ अजीब सा आइटम है, उसका नाम नहीं पता क्या है भाई। परमल, अच्छा परमल है ये। तो ये हम लोग कभी खाते नहीं है, दूसरी बार बनाया है ये, लेकिन होता बड़ा अच्छा है। बिहारी लोग इसे ज़्यादा बनाते हैं। तो कौन कौन इसे खाता है कमेंट में बताना। बाकी फटाफट से खाना खाते हैं। अभी के टाइम पे मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान से, अपना टाइम सारा बिता के। काम तो कुछ हुआ नहीं, मगर टाइम मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि भाई कल की बारिश तो बहुत अच्छी थी, मगर उसी हिसाब से आज उमस भी थी। तो उमस में पानी पीते रहें वरना डिहाइड्रेट होने का खतरा है। और अभी टाइम हो चुके हैं 2, और आपको फिर से एक बार मौसम का हाल दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मौसम रंगीन हुआ है, फिर से मौसम काला, फिर से बारिश होने की उम्मीद, और बस यही चल रहा है। लेकिन बारिश चाहे जितनी मर्जी हो जाए, अगर अगले दिन थोड़ा सा भी सूरज आ रहा है तो उमस अपनी लेवल पे आ जा रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बारिश हुई है, तो वो हिसाब किताब बराबर हो जा रहा है। ये देख लो, आज दोबारा तैयारी कर रहे थे, दोबारा बारिश हो गई और दोबारा पैक हो गया। तो भाई यहाँ तो खेल चल रहा है बढ़िया से, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई हमारा एनर्जी पुस्तक आ चुका है, चाय, और फटाफट से चाय पीते हैं। और भाई मैं पूरे दिन भर में, क्योंकि मैं 2-3 दिन से आपको बारिश वगैरह दिखा रहा हूँ जो कि हो ही रही है, बट मैं भी समझ रहा हूँ यार एक ही चीज़ कितने दिखा सकते हैं। बट भाई डेली ब्लॉग करना लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको दिखाना ही पड़ता है। और डेली बेसिस पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको देखने में मज़ा भी आए और हमें भी अच्छा लगे, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी फिलहाल यही मेहनत है, एक बार अगर सक्सेस हो गए फिर तो जगह बदल सकते हैं और थोड़ा मज़ा भी आएगा, चीज़ें भी मिलेंगी दिखाने के लिए। बट फिलहाल यही मेहनत है, कोशिश ये है, चाहे कैसे भी ब्लॉग बने, चाहे मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करूं, चाहे आप लोग मुझे कुछ कमेंट्स भेजें उनके ऊपर मैं रिप्लाई करूं, बट डेली बेसिस में मैं ब्लॉग बनाऊँगा ज़रूर। इस बार छोड़ूंगा नहीं फिलहाल, लंबे टाइम तक कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग साथ बहुत अच्छा दे रहे हो, इस बार बहुत अच्छा साथ दे रहे हो, लग रहा है कि हाँ मैं अच्छी ग्रोथ कर लूँगा। तो फटाफट से फिलहाल चाय पीते हैं और निकलते हैं दुकान की तरफ और देखते हैं क्या होता है। भाई कितना है रैपिडो में, कितना बोले एक बार? 12 घंटा काम किए हैं रैपिडो में, तो 700-800 रुपये काम होता है, उसमें भी पेट्रोल अपने जेब से जाता है। 1200 जो 700-800 में पेट्रोल अपने जेब से। हाँ। और बाकी और किसी में, किसी में पोर्टर में 7 रुपये किलोमीटर देता है। हाँ, तो उसमें अगर 12 घंटा काम कीजिएगा तो 1200 रुपये हो जाएगा, फिर पेट्रोल वेट्रोल काट के 900-800 रुपये बचेंगे। 900-800 रुपये बचेगा। हाँ। और सामान बड़ा मोटा मोटा रहता है, 20 kg से ज़्यादा वजन नहीं रहता। ठीक है। तो अभी एक ऑर्डर आया था मेरे पास 1400 रुपये का, और मैंने अंकल डिलीवरी को बुक किया था। ये भाई आए हैं, ये जोमेटो भी करते हैं, स्विगी भी करते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें करने की सोच रहे थे, बट अब बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं तो ये भी थोड़े परेशान हैं। तो फिलहाल अभी अंकल डिलीवरी का ये काम कर रहे हैं, शाम का जोमेटो का बंद हो गया है तो ये डिलीवरी लेके जा रहे हैं। तो ये है वरुण एनक्लेव में भाई, ठीक है, नंबर मैंने मैडम का डाल दिया है, ठीक है ना, वरुण एनक्लेव सेक्टर 28, कॉल कर लेना, मैडम का नंबर है, मेरा नंबर तो तुम्हें पता चल गया, ड्रॉप पे मैडम का नंबर डाला हुआ है, ठीक है। चलो तो ये भाई लेके जाएंगे इनका। तो अभी के टाइम पे मैं दुकान से घर आ चुका हूँ, और अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने डिलीवरी करवाई थी अंकल डिलीवरी से, तो वो बंदे ने जोमेटो की कमीज पहनी हुई थी। तो मतलब मैंने ऑफलाइन ही उससे बात करी, ऑनलाइन मुझे ठीक नहीं लगा, ज़्यादा कैमरे के आगे अच्छा नहीं लगता। तो यार उसने जैसे बताया, आपने सुना ही होगा, रैपिडो में उसने बोला कि 12 घंटे काम करता है तो 700-800 रुपये मिलते हैं, जिसमें पेट्रोल उसी का होगा, पेट्रोल कंपनी नहीं दे रही। और 12 घंटे बाइक चलाना, मतलब 12 घंटे में अगर वो 1 घंटे रेस्ट भी करता है, 11 घंटे बाइक पे रहना, और जिसमें कि पीछे सामान होगा, मतलब उसमें भी वो कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, तो मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत रहती है।
बात ये नहीं है कि उसकी लाइफ है, बाकी सभी की लाइफ ऐसी चल रही है, कहीं अच्छा कमा रहे हैं लेकिन वो परेशान है, किसी से बात नहीं कर सकते, सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में केस हुआ भी था कि एक IITian था, उसने आत्महत्या कर ली थी, उसका पैकेज 27-30 लाख रुपए साल का था, बट उसका यही था कि स्ट्रेस था वो बहुत ज़्यादा, किससे बात नहीं हो पाती, अपने लिए उसके पास टाइम नहीं था, सब कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी की लाइफ में दिक्कत है, तो मतलब देखो उसके बाद भी बंदे हंसते रहते हैं लड़के लोग, तो भाई सैल्यूट है यार सभी लड़कों को, हमारा भी वही हाल है कुछ, तो ये शक्ति जो ऊपर से मिली हुई है भाई मानना पड़ेगा बहुत बड़ी शक्ति हमें मिली हुई है कि हम ये सारी चीज़ें हंस के झेल रहे हैं। तो सब्जी भी महंगी हो गई है बारिश के चक्कर में, हम कुछ नहीं खा सकते हैं। हाँ बोलो, बारिश के चक्कर में सब्जी बहुत महंगी हो गई, हम ऐसे गरीब लोग हैं, सब्जी भी नहीं खा सकते, बस हो गया। तो अभी के टाइम पे खाना तैयार हो रहा है, सब्जी बन चुकी है, और सब्जी आज मैंने बनाई है सोयाबीन बड़ी और आलू, और रोटी बन रही है, अपना खाते हैं पीते हैं और फिर अपना जो भी करना है करते हैं, सोना है सोते हैं, टीवी देखना है टीवी देखते हैं, और बाकी बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो हो सकता है अपना दुख मिटे तो कोशिश करें किसी और का मिटाने की। बाकी धन्यवाद, बाय।